So, dear students, we are discussing preparation of the bank reconciliation statement. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपके पास चार पॉसिबिलिटीज रहेगी. कभी आपको बैंक बैलेंस दिया जाएगा एज पर कैशबुक या तो पासबुक, या तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा एज पर कैशबुक या तो एज पर पासबुक. तो ये चार सिचुएशन है. अगर बैंक बैलेंस है तो उसको फेवरेबल बैलेंस बोला जाएगा, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो उसे अनफेवरेबल बैलेंस कहा जाएगा. जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो उसे बैंक बैलेंस कहा जाएगा. अगर कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस होगा. पर वही चीज अगर पासबुक के हिसाब से देखो, अगर पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो उसका मतलब आपके बैंक में बैलेंस है. तो बैंक बैलेंस कैशबुक के हिसाब से देख रहे हो या पासबुक के हिसाब से देख रहे हो, उसके हिसाब से उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा. जैसे मैंने आपको बताया, अगर कैशबुक बैंक बैलेंस बता रहा है तो मतलब डेबिट बैलेंस है. अगर अगर पासबुक कैश होगा, लास्ट का 5 मिनट बाद रिपीट किए ना, वो आप नया लिंक दिया उसमें खुला ही नहीं, फिर बैक 5-7 मिनट चला गया. नहीं, अभी स्टार्ट किया है मैंने. लास्ट का 5 मिनट जो आप बोले अभी स्टार्ट किया है. ओके ठीक. तो पासबुक के हिसाब से अगर आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो आपको चेक करना है. कैशबुक के हिसाब से भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है वो आपको देखना है. जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपका कैशबुक डेबिट बैलेंस बता रहा है तो वो बैंक बैलेंस है, पर अगर आपका कैशबुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो वो बता रहा है कि आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है. धीरे धीरे वो भी समझ में आपको आ जाएगा. अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होगा ऐसे कि जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट बनाओगे तो जब आप स्टार्ट करोगे बैंक के बैलेंस से तो आंसर कैशबुक के हिसाब से आएगा, और अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर बैंक के हिसाब से आएगा. एक एक्सरसाइज बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया आ जाए. अब थोड़ा ध्यान रखना, अब देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2017. तो हमें 31 मार्च को बनाना है. अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 50,000. आपका जो कैशबुक है वो 50,000 रुपीज का बैंक बैलेंस बता रहा है. अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप बैंक बैलेंस की बात करते हो और कैशबुक के हिसाब से है, तो कैशबुक में बैंक बैलेंस तब आएगा जब आपके कैशबुक में डेबिट बैलेंस होगा. तो ये डेबिट बैलेंस बता रहा है, पहली बात तो ये. अगर यहां पे ऐसा लिखा होता बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 तो वो क्रेडिट बैलेंस होता, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस मतलब बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस होगा. ये बात आप माइंड में फिक्स करके रखिए. तो पहली बात तो ये है, 50,000 रुपीज का हमारा बैंक में बैलेंस है ऐसा हमारा कैशबुक बता रहा है. चलो, इतना समझ में आ रहा है आपको. हाँ सर. ओके, अब देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट
6000 हमने चेक इश्यू किए थे। अब हमने चेक इश्यू किए थे इसका मतलब क्या हो गया कि हमने हमारे कैशबुक में पेमेंट साइड बता दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 6000 के चेक थे, हमने कैशबुक में बता दिया है पेमेंट साइड, क्योंकि हमने चेक इश्यू किए तो डेफिनेटली कैशबुक में हमने लिख दिया होगा, पर अभी तक हमारे बैंक से वो अमाउंट कट नहीं हुआ है, हमारी बैंक ने वो अमाउंट डेबिट किया नहीं है। चलो आप बताओगे क्यों डेबिट नहीं किया होगा, क्यों कट नहीं किया होगा, हमने तो लिख दिया है, बैंक ने अभी तक कट नहीं किया है, क्या रीजन हो सकता है? आपने किसी को पेमेंट कर दिया चेक देके, आपने आपकी कैशबुक में डेबिट क्रेडिट साइड पे बता दिया पेमेंट, पर अभी तक बैंक में से वो अमाउंट कट नहीं हुआ है, क्यों ऐसा हुआ होगा? सोच सकते हो कुछ? देखो इसमें क्या हुआ होगा, चेक का वैलिडिटी 3 मंथ्स है, तो अभी उसने चेक प्रोड्यूस नहीं किया है। हाँ ऐसे तो नॉर्मली 2-3 दिन में हम चेक जमा कर देते, पर हमने जिसको चेक दिया उसने अभी तक बैंक में चेक जमा ही नहीं करवाया, तो जब उसने बैंक में चेक ही नहीं दिया है तो हमारे बैंक से कलेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए हमारे बैंक में वो बैलेंस दिख रहा होगा। चलो समझ में आ रहा है इतना? तो हमें क्या करना है, जब बैंक स्टेटमेंट बना रहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो अब हमें पता चल चुका है कि 6000 रुपया अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में है, कट नहीं हुआ है, हमने तो माइनस कर दिया पेमेंट साइड लिख के कैशबुक में, पर अभी तक बैंक में तो पड़ा है अमाउंट, तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे, उसको इसको हम प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि अभी तक बैंक में से कट नहीं हुआ है और हमने ऑलरेडी कैशबुक में पेमेंट साइड बता दिया है, माइनस कर दिया है, तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए। ये 6000 से डिफरेंस आ रहा था, हमने पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया था, पर बैंक ने अभी तक पेमेंट किया ही नहीं है, तो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं उसको वापस ऐड कर देता हूं ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए। ये पहला पॉइंट हुआ। यहां पे आपको यही समझना है कि प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है। अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। आगे, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका डिविडेंड मिला हुआ है, तो हमारी बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट हो चुका है, मतलब हमारे बैंक में वो बैलेंस बढ़ चुका है, बैंक में वो बैलेंस बढ़ चुका है, पर हमारे कैशबुक में हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो अब आप एक बात सोचो, हम कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर कुछ बैंक ने रिकॉर्ड किया है और हमने नहीं किया है तो वो इफेक्ट हमें देना पड़ेगा, हमने कुछ किया है और बैंक ने नहीं किया है तो वो इफेक्ट देना पड़ेगा। तो यहां पे 8000 रुपीस का जो चेक है बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस में बताएंगे, उसको माइनस में हम बताएंगे। ऐसा करने से होगा क्या, हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हो रहा था 8000 से, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया है 8000 से, पर हमने तो कैशबुक में लिखा ही नहीं है, हमने ऑलरेडी लिखा नहीं है, तो इसको हम माइनस में बता देंगे। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, 2 नंबर वाला पॉइंट, 6000 वाला, जिसमें हमने माइनस कर दिया था हमारे कैशबुक में पर बैंक ने नहीं किया था, तो हमने वापस उसको प्लस कर दिया ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए। हमें इस स्टेटमेंट में ये देखना है कि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल कैसे हो जाए। तो ये पहला पॉइंट। आगे, बैंक चार्जेस ₹4000 वर नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक।
बैंक ने 400 रुपया कट कर लिया है, बैंक ने 400 रुपया डेबिट कर लिया है, वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, पर हमें पता नहीं था तो हमने कैश बुक में नहीं लिखा है। तो चलो बैंक ने माइनस कर दिया है, तो बैंक ने अमाउंट कट कर दिए, अगर हमें हमारा बैलेंस बैंक के मुताबिक लाना है तो हमें भी कट करना पड़ेगा, तो हम इसको माइनस में बताएंगे। यहाँ से थर्ड नंबर के पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है, कुछ समझाने में थोड़ा ये है, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000, बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, मतलब बैंक ने अपने अकाउंट में इतना अमाउंट जमा कर दिया है। तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस अगर हमें इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस में बताना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे बताने में थोड़ा ये हो गया है, अगर बैंक ने कुछ अमाउंट जमा कर दिया है तो हम भी बता देंगे, अगर बैंक ने कुछ माइनस कर दिया है तो हम भी माइनस कर देंगे। अ चेक ऑफ ₹6,000 वर डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने हमारे बैंक में चेक डिपोजिट करवाया था 6,000 का, बट अभी तक बैंक ने कलेक्शन नहीं किया है। किसी कस्टमर ने हमें 6,000 का पेमेंट किया होगा तो हमने हमारी कैशबुक में तो बता दिया है, हमारी कैशबुक में हमने रिसिप्ट साइड बता दिया होगा, हमने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है कैशबुक में, पर अभी तक वो अमाउंट हमारी बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, मतलब बैंक में वो बैलेंस दिख ही नहीं रहा है जबकि कैशबुक दिखा रहा है। तो अब आप सोचो हमें बैंक के जैसा बैलेंस कर देना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमने जो रिसिप्ट बता दी है उसको हटा दो क्योंकि अभी बैंक में वो अमाउंट आई ही नहीं है। तो जब बैंक में अमाउंट नहीं आई है तो हम हमारे कैशबुक में नहीं बता सकते, तो यहां से हम उसको माइनस कर देंगे। अब ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दो प्लस दिख रहे हैं, दो माइनस दिख रहे हैं। अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा जो बैलेंस दिया है उससे, तो हमको बैलेंस दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, तो देखो बैलेंस एज पर कैशबुक सबसे पहले 50,000 रुपीज आपको लिखना है, सबसे पहले 50,000 रुपीज आप लिख दोगे, फिर जो प्लस वाली आइटम है वो लिख देनी है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ऊपर 6,000 था वो आप बता दोगे, फिर है बैंक ने जो डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है तो हमें भी बताना चाहिए, तो वो 8,000 प्लस कर देंगे। माइनस में 400 रुपया है, 400 रुपया बैंक ने चार्जेस का कट कर लिया है तो हमें भी कट करना चाहिए, तो उसको माइनस में बताएंगे 400 रुपीज। 6,000 रुपीज का जो चेक है हमने डिपॉजिट करवाया था पर अभी तक बैंक ने कलेक्शन ही नहीं किया है तो वो बताना सही नहीं है, तो उसको माइनस में बता रहे हैं। तो अब आप प्लस वाली फिगर्स का टोटल करोगे तो 64,000 है और माइनस वाली फिगर्स आप देखोगे तो उसमें 6,000 और 400 रुपया है, तो 64,000 रुपीज में से 6,400 माइनस करोगे आप तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आएगा 57,600। ये 57,600 है, दैट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। देखो यहाँ पे पासबुक लिखा है और हमने स्टार्ट किया था कैशबुक से। फर्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको नोटबुक में कुछ लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में कोई एक बैलेंस दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 50,000, तो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 50,000। पहली बात तो ये हो गई। फिर इसके लिए एक रूल याद रखो,
रूल में यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है प्लस क्या करना माइनस क्या करना, तो याद रखो डू व्हाट बैंक हैज डन, एक तो ए रूल याद रखो, बैंक ने जो किया है वो हमें करना है, अगर बैंक ने कुछ माइनस कर दिया है तो हमें भी माइनस कर देना है। जैसे कि बैंक ने 400 रुपया हमारे अकाउंट से कट कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमको भी यहां पे माइनस में बताना है। अगर बैंक ने कोई अमाउंट हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो हमें भी करना है। तो आप देख सकते हो 8000 रुपीज का डिविडेंड बैंक को मिला था, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया है, ऐड कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो हम भी यहां पे प्लस करेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। तो ये पहला रूल है, याद रखो बैंक ने जो किया है वो आपको करना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। अब आप सोचोगे सर पता कैसे चलेगा बैंक ने क्या किया है, तो देखो याद रखो अगर बैंक ने कुछ क्रेडिट किया है मतलब बैंक ने प्लस किया है, तो आपको भी प्लस करना है। अगर बैंक ने कुछ डेबिट कर लिया है तो इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से वो अमाउंट कट कर लिया है, तो माइनस करना है, हमें भी माइनस करना है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। चलो आपको समझ में आ रहा है बेटा, बताओ मुझे, प्लीज टेल मी आर यू गेटिंग दिस। तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो और आप बैलेंस एज पर कैशबुक से जा रहे हो, तो बैंक ने कोई अमाउंट क्रेडिट किया है तो इस स्टेटमेंट में आप प्लस कर दोगे, बैंक ने कोई अमाउंट डेबिट किया है तो आप इस स्टेटमेंट में माइनस कर दोगे। अच्छा दूसरा रूल यहां पे याद रखो जो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, अंडू व्हाट वी हैव डन, ये दूसरा रूल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हमने कुछ डेबिट कर दिया है कैशबुक में, रिसीप्ट साइड बता दिया है, तो उसको हटा दो, माइनस कर दो स्टेटमेंट में। अगर हमने कुछ पेमेंट साइड बता दिया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, सॉरी कैशबुक में, पेमेंट साइड बता दिया है कैशबुक में, मतलब हमने माइनस कर दिया है, तो उसको वापस प्लस कर दो। जैसे कि यहां पे आप सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ो, चेक इश्यूड 6000, तो हमने इश्यू किया तो हमने हमारे कैशबुक में पेमेंट साइड बता दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, तो आपको क्या करना है उसको अंडू कर देना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उसको प्लस कर देना है। मतलब अगर आपने क्रेडिट कर दिया है कैशबुक में, तो इसका मतलब हुआ आपने पेमेंट कर दिया है, उसको यहां पे वापस प्लस कर दो, तो एक ये मीनिंग निकल रहा है। उसी तरीके से अगर कुछ हमने डेबिट कर दिया है तो उसे माइनस कर देंगे। जैसे कि फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन आप देखो, अ चेक ऑफ रुपीज 6000 वॉज डिपोजिटेड, हमने चेक डिपोजिट करवाया था बैंक में, तो हमने कैशबुक में रिसिप्ट साइड बता दिया होगा। रिसिप्ट साइड बताना मतलब कैशबुक में बैंक बैलेंस बता दिया हमने, बढ़ गया है, पर बैंक में तो वो चेक अमाउंट जमा ही नहीं हुई है, तो अगर हमें बैंक के मुताबिक जाना है तो क्या करना होगा, उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आपने कुछ डेबिट कर दिया है कैशबुक में, तो आप उसको माइनस कर दोगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर इतना याद रखते हो आप, तो आपका स्टेटमेंट इजीली बन जाएगा। ये मैंने सिंपल वाले रूल्स बताए, ऐसे रूल्स आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि जब आपको बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हो, तो आपको बैलेंस एज पर पासबुक अगर लाना हो,
तो ये रूल्स अगर आप याद रखोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलो समझ में आ रहा है बेटा आपको? जी सर। तो हम बात कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चार पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा, प्लस माइनस करना होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको इस तरीके से तीन कॉलम्स बना लेने होंगे। फर्स्ट कॉलम जो होगा आपका वो पर्टिकुलर्स का होगा, बाकी के जो दो कॉलम्स हो गए आपके वो हो गए प्लस और माइनस के। इस तरीके आपको ये कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट जो कॉलम रहेगा हमारा वो पर्टिकुलर्स का रहेगा, अमाउंट के कॉलम हो गए जिसमें प्लस वाली अमाउंट होगी, और ये जो होगा वो माइनस वाली अमाउंट होगी। तो इस तरीके से आपको कॉलम्स बना देने हैं। अभी हम फर्स्ट मेथड पे चल रहे हैं जिसमें हम फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक की बात कर रहे हैं। मतलब आपको बैंक बैलेंस दिया होगा और वो भी एज पर कैशबुक दिया होगा, और इसका मतलब होगा कि आपको डेबिट बैलेंस दिया है, क्योंकि कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस का ही मतलब होता है बैंक बैलेंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जो भी अमाउंट दिया होगा वो आप प्लस वाले कॉलम्स में बता दोगे, ये फर्स्ट पॉइंट। कुछ चीजें होगी, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जिसको आप प्लस में बताओगे, और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जिसको आपको माइनस में बताना है। तो प्लस और माइनस दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे। प्लस माइनस करने के बाद फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आएगा आपका एस पर पासबुक। क्योंकि जब आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर एस पर पासबुक आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। रूल मैंने क्या बताया यहां पे, तो रूल मैंने आपको ये बताया, मैं ऊपर रूल लिख देता हूं, Do what bank has done, वो काम आपको करना है जो बैंक ने किया है। और दूसरा मैंने आपको रूल बताया, Undo what we have done, ये सिंपल रूल्स है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या मतलब हो रहा है इसका। तो इसका ये मतलब होगा, डू व्हाट बैंक हैज डन का मतलब होगा कि बैंक ने कुछ प्लस किया है तो हमें प्लस कर देना है स्टेटमेंट में, बैंक ने कुछ माइनस किया है तो हमें माइनस कर देना है हमारे स्टेटमेंट में। अच्छा बैंक प्लस करेगी उसका मतलब क्या, तो इसका मतलब होगा इफ बैंक हैज क्रेडिटेड, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब बैंक ने प्लस किया है, हमारे अकाउंट में उतना अमाउंट बढ़ा दिया है तो हमें क्या करना है, हमें भी प्लस करना है। कहां पे, इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उसको प्लस करेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया है, बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया है तो मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से वो अमाउंट माइनस कर दिया है तो हमें क्या करना है, तो हमें हमारे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हमें भी उसको माइनस बता देना है। ये हुआ डू व्हाट बैंक हैज डन। अच्छा अब हमें बैंक के हिसाब से आंसर लाना हो, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से और हमारा फाइनल आंसर बैंक के हिसाब से आएगा पासबुक के हिसाब से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो जो इफेक्ट दिया है वो हटा दो ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए। अब हम पासबुक की बात नहीं कर रहे, कैश बुक की बात कर रहे, तो यहां पे रूल है इफ डेबिटेड, मतलब हमने कुछ रिसीप्ट साइड बताया है प्लस किया है तो उसको हम माइनस कर देंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, उसको वहां से हटा देंगे तभी हमारा आंसर बैंक के मुताबिक आएगा। अगर हमने कुछ क्रेडिट कर दिया है मतलब पेमेंट साइड बता दिया है माइनस बता दिया है तो बैंक के हिसाब के आंसर लाना हो तो हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उसको प्लस कर देना है। सिंपल से रूल्स मैंने आपको बताया, ऐसा कोई रूल कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, दिस इज जस्ट फॉर ब्रिंगिंग द आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। एक और एक्सरसाइज ले लेते हैं ताकि आपको और आइडिया आ जाए। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन August 31, 2017। हम 31 अगस्त को ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको चार ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, आपको ये सोचना है प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है। तो पहले तो देखना है कौन सा बैलेंस दिया है, तो आप देखो आपको बैलेंस दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसका मैंने अभी आपको मतलब बताया। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो उसका मतलब होगा आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है एज पर कैश बुक, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टेटमेंट में आप देख सकते हो ऊपर टाइटल दिया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ अनिल एंड कंपनी एज ऑन 31 अगस्त 2017। ये जो प्लस वाली आइटम है, ये जो स्टार्टिंग का बैलेंस है बैलेंस एज पर कैश बुक, वो आप पहले बता दोगे 54,000। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमें सोचना है कि यहां पे दिए हुए ट्रांजेक्शन में से कौन से ट्रांजेक्शन प्लस हो गए माइनस हो गए। तो देखते हैं ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
मतलब हमारे अकाउंट में से बैंक ने 100 रुपया काट लिया है, हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट डेबिट कर दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है तो हमें भी रिकॉर्ड करना है। बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया है, तो बीआरएस में हम उसको माइनस करेंगे, ये पहली बात। तो इसको माइनस में बताएंगे। तो नीचे के स्टेटमेंट में आप देखो आंसर में लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ऐसा बताया आपको जो माइनस के वाले कॉलम्स में बताया है 100 रुपीज। अच्छा आगे, चेक ऑफ रुपीज 5400 डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। देखो हमको किसी कस्टमर ने चेक दिया था 5400 का, तो जो हमने हमारी कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया है, कैशबुक में हमने 5400 रुपया बता दिया हुआ है, मतलब रिसिप्ट साइड बता दिया है, हमने डेबिट कर दिया है, पर अभी तक वो अमाउंट बैंक में जमा ही नहीं हुई। तो मैंने अभी आपको रूल बताया कि अगर हमने कुछ डेबिट कर दिया है उसका मतलब हमने प्लस किया है, उसको अंडू कर दो, उसको हटा दो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, तो इस ट्रांजेक्शन को हम माइनस कर देंगे ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल दिख हो जाए। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हो कि सॉल्यूशन में 5400 रुपीज जो है वो माइनस में बताया हुआ है, क्योंकि कैशबुक में रिकॉर्ड है बट पासबुक में नहीं है। तो अगर हमें पासबुक के हिसाब से आंसर लाना है तो हमें कैशबुक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उसको माइनस बता देना है, क्योंकि कैशबुक में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है जो यहां पे हम माइनस में बता देंगे। एक और ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है, अ चेक ऑफ 20,000 इश्यूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने इश्यू कर दिया है मतलब हमने किसी को पेमेंट किया है 20,000 रुपीज का, मतलब हमने हमारे कैशबुक में इसको पेमेंट साइड बता दिया है, माइनस कर दिया है, पर अभी तक बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया है, वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कट ही नहीं हुआ है, तो क्या करना है? मैंने अभी बताया अगर हमने कुछ माइनस कर दिया है तो उसको वापस प्लस कर दो, तो इसको हम वापस प्लस कर देंगे क्योंकि बैंक में अभी भी वो अमाउंट पड़ा हुआ है, कट नहीं हुआ है, तो इसको वापस प्लस कर दो। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हो 20,000 प्लस वाले कॉलम में है। तो इस तरीके से सारे ट्रांजेक्शन लिखने के बाद आपको प्लस वाले का टोटल करना है, तो यह 74,000 रुपीज आ रहा है। माइनस में आप देखोगे तो दो ही फिगर्स है हमारे पास, माइनस में हमारे पास दो ही फिगर्स है, एक तो 5400 और 100, तो टोटल 5500 रुपीज माइनस करना है। अगर आप 74,000 में से 5500 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6850 जो यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर आप देख सकते हो। तो ये आपको आंसर मिल रहा है, तो ये 68,500 आपका बैलेंस एज पर पासबुक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन द बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन, देन यू कैन डू इन दिस वे। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये लोगों ने जब पासबुक और कैशबुक कंपेयर किया होगा तो उनको देखो कैशबुक बता रहा है 54,000 का बैलेंस है और पासबुक बता रहा है कि नहीं 68,500 का बैलेंस है, तो ये डिफरेंस आया। पासबुक में अमाउंट ज्यादा है 68,500 और कैशबुक में खाली 54,000 है, तो क्वेश्चन यहाँ पे 4,500 रुपये का खड़ा हो रहा है कि ऐसी कौन सी अमाउंट है जिसकी वजह से 4,500 का डिफरेंस आया। तो 4,500 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एक 20,000 का चेक है जो हमने पेमेंट साइड बता दिया है, बैंक ने नहीं बताया है। 5,400 की एक ऐसी अमाउंट है कि जो हमने रिसिप्ट साइड बता दिया है पर अभी तक वो अमाउंट बैंक में जमा ही नहीं हुई है। 100 रुपये का एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक ने हमारे अकाउंट से कट कर लिया है, डेबिट कर लिया है,
पर अभी तक हमारे कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था बैंक स्टेटमेंट मंथ के एंड में आता है। तो इन तीन ट्रांजेक्शन्स की वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चले कि वो कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कैशबुक बैंक बैलेंस में और पासबुक बैलेंस में। तो ज्यादातर बिजनेसमैन इस तरीके का एक स्टेटमेंट मंथली बनाते हैं, और आप किसी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट का पोस्ट वो पढ़ोगे एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें भी लिखा होता है कि व्हाट आर द रोल्स एन अकाउंटेंट हैज टू डू। तो अकाउंटेंट को नॉर्मली जो भी अकाउंटिंग का वर्क करना होता है उसके साथ उसकी रोल में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक BRS बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली बनाना भी उसके एक रोल में कवर होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, टुडे वी आर एंडिंग दिस सेशन। वी विल डिस्कस सम मोर एक्सरसाइज ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir.